हेलो दोस्तों, मैं हूँ समीर। वही जूनागढ़ से राजकोट की ओर जा रहा था, तो मैंने सोचा चलो आपके लिए वीरपुर का एक वीडियो ही बनाता चलो। वैसे तो मैं नॉर्मली सारे प्रोफेशनल टच वाले वीडियो बनाता हूँ, लेकिन इस बार मुझे लगा चलो एक सिंपल और जैसे कहते हैं ना कैजुअल वे में एक वीडियो बनाया जाए, ताकि अगर वैकेशन में आप वीरपुर आना चाहते हैं तो वीरपुर में आप क्या क्या देख सकते हैं, कैसे घूम सकते हैं। वैसे तो बहुत ही छोटा सा टाउन है ये, इसे बड़ा विलेज भी कह सकते हैं और छोटा टाउन भी कह सकते हैं। तो आइए चलते हैं वीरपुर की मेन बाजार में। यह है वीरपुर की मेन बाजार में जाने का रास्ता, जहां से वीरपुर का जलाराम बाबा का मंदिर बहुत ही नजदीक है। तो ये है मेन बाजार वीरपुर की। वैसे तो छोटी सी बाजार है, लेकिन जब जलाराम जयंती होती है या कोई बड़ा फेस्टिवल होता है तब यहाँ की वीरपुर की इस छोटी सी बाजार में आपको हैंडीक्राफ्ट्स की चीज़ें बेचने वाली दुकानें, ट्रेडिशनल ड्रेसेस बेचने वाली दुकानें, भगवान की फ़ोटो फ्रेम्स बेचने वाली दुकानें, प्रसाद की दुकानें और साथ में ही खिलौनों की दुकानें ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। अलग अलग टाइप के प्रसाद आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। ये है थाबड़ी पेंडा, ये है रजवाड़ी पेंडा और ये दूसरे सादा पेंडा। जय जलाराम। बहुत सारी हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें भी हैं, बहुत सारे ट्रेडिशनल चीज़ें। देखिए आप यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन सी चीज़ें फेमस है यहाँ पे? यहाँ का पेंडा मलाईपुरी फेमस है। साथ में बहुत बिका जाता है। ओके। और यहाँ का मुखवास जो फेमस है, सब मुखवास जो यहीं पे बनता है। अच्छा, ये यहाँ का लोकल मुखवास है, ये लोकल माउथ फ्रेशनर्स है सर। इनमें से सबसे ज्यादा कौन सा? ये नया है। क्या बात है, ये नया नई वैरायटी है, बहुत ही ज्यादा फेमस है यहाँ पे। क्या बात है, ये सारी ट्रेडिशनल चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ये हैंडीक्राफ्ट की चीजें, ये ज्वेलरी, ये सारे ऑर्नामेंट्स, ये ट्रेडिशनल कम्युनिटीज बहुत ज्यादा पहनती है ये। अगर देखें यहाँ पर चारण समाज, भरवार समाज, रबारी समाज, दरबार समाज, ये सब ये इस तरह के ऑर्नामेंट ज़्यादा पहनते हैं। सबसे ज़्यादा कौन सी डिमांड में रहती है चीज़ यहाँ पे, मूर्ति में वगैरह? ये सारी चीज़, ये मार्बल की मूर्तियाँ जो हैं वो सबसे ज़्यादा डिमांड में है। जलाराम बाबा की फ़ोटो फ्रेम ज़रा दिखा दो। जलाराम बाबा लोगों के काफ़ी प्रिय। और ये फ्रेम भगवान के अंदर है ना? हाँ, अंदर ओरिजिनल फ्रेम है ना? अंदर ये ओरिजिनल, ये ओरिजिनल फ्रेम है ये। ये मूर्तियाँ सबसे ज्यादा डिमांड में रहती हैं यहाँ पे। मार्बल, ये मार्बल की मूर्तियाँ, ये कहाँ से बनती हैं? ये मुंबई की मूर्तियाँ हैं, सबसे ज्यादा डिमांड में रहती हैं यहाँ पे। ये ट्रेडिशनल पर्स, ये पूरा मारवाड़ी। अच्छा, ये सारे शो पीसेस जो हैं वो मारवाड़ी हैं। हमारे यहाँ का बंदा भी फेमस है। अच्छा, ये बंदा फेमस है, क्या बात है। ये भी, ये वुडन आर्ट है, ये वुडन आर्ट है ना? क्या बात है,
वाह बड़े बहुत बढ़िया। विरपुर में बहुत ही डिमांड है इस तरह की चीज़ों की। ये जलाराम बाबा की मूर्ति आपको देखने को मिल जाएगी। आई थिंक ये विरपुर का सबसे बड़ा शोरूम है ना? सबसे बड़ा। क्या बात है, तलवार और ये राम नाम में लीन है, देखत सब में राम, ताके पद वंदन करूं, जय जय जलाराम। जलाराम बापा का एक जीवन सूत्र रहा, देने को टुकड़ों भरो, लेने को हरि नाम। दुकान आपको अंदर ऐसी इसी टाइप की देखने को मिल जाएगी। सबसे ज्यादा यहाँ पर ये जो हाँ दूधी का तेल बहुत ही पाया जाता है, बहुत ही फेमस है। इससे क्या होता है, फायदा क्या होता है? जरते बार हो, डेंड्रफ हो, इसके लिए बढ़िया है। क्या बात है, तो ये अलग अलग कंपनीज का आता होगा ना? यहाँ सब अलग अलग बनाते हैं, अलग अलग बनाते हैं, तो यहाँ का प्रोडक्शन यहीं पे होता है। दूधी का तेल ये बहुत ही कम जगह पे पाया जाता है, लेकिन वीरपुर में शायद आपको हर एक दुकान में मिलेगा। बहुत बढ़िया। अब हम यहाँ पे हमारा कैमरा बंद कर देंगे, क्योंकि मंदिर का नियम है तो हम उसको रिस्पेक्ट करते हुए अंदर की चीजें नहीं दिखा सकते हैं, इसलिए ये सारी दुकानें हम देख के ही खुशी मनाएंगे। जी, पूज्य श्री जलाराम बापा ने अपना सारा जीवन भूखों को खाना खिलाने में और जरूरतमंदों की सेवा में ही बिता दिया। उनकी जिंदगी ही खुद एक सदाव्रत रही। जलाराम बापा के घर पे कोई भी आता था, कभी भी खाली हाथ लौट के नहीं जाता था, और उनके गांव में भी अगर कोई आ जाए तो वो भूखा लौट के नहीं जाता था। जलाराम बापा के इसी सदाव्रत को आज की तारीख में उनके वंशजों के द्वारा चलाया जा रहा है। यहाँ पर अमीर गरीब सब एक समान, सब एक साथ खाना खाते हैं। दिन में दो बार यहाँ पर मुलाकातियों को और भूखों को खाना खिलाया जाता है। इस मंदिर में दान के नाम पर एक भी रुपया नहीं लिया जाता और ना ही कोई सौगात ली जाती है, क्योंकि पूज्य श्री जलाराम बापा का जैसे जीवन मंत्र ही बन चुका था कि देने को टुकड़ो भलो, लेने को हरिनाम। यहाँ की दुकानों में इस तरह की हैंडीक्राफ्ट की चीजें भी बहुत पाई जाती हैं। आज की तारीख में भी लोग इस तरह की ट्रेडिशनल चीजें खरीदना पसंद करते हैं। जलाराम बापा की एक से बढ़कर एक फ्रेम्स, ये सारी फ्रेम्स जो हैं वो उनमें सबसे ज्यादा ऑथेंटिक जो जिसको बोलते हैं ओरिजिनल फ्रेम, इसे कहा जाता है, जो मंदिर के अंदर जो आपको पिक्चर देखने को मिलेगा बापा का, वो ये माना जाता है। लोग बच्चे के लिए भी खरीदारी करते हैं। दूसरा, ट्रेडिशनल कपड़ों की दुकान है, ये भी वीरपुर में आपको काफी देखने को मिल जाएगी। लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को ये तो कान्हा का ड्रेस पहनाते हैं या तो गोपी का ड्रेस पहनाते हैं। इस तरह के ट्रेडिशनल वेयर्स भी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठाकुर जी के श्रृंगार भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके अलावा सोडा, वीरपुर में सबसे ज्यादा फेमस है जलजीरा सोडा। एक जलजीरा सोडा बनाओ। ये सोडा सबसे पहले क्या डाला आपने? जलजीरा संचर ना चले मरी। जलजीरा संचर मरी नींबू सोडा। अभी ये नींबू डाला जाएगा। ग्लास, ये नींबू डाल दिया जाएगा। इस मशीन में से सोडा निकाल के इसमें डाल जाती है। कितने कितने टाइप की सोडा बनती है यहाँ पे? सोडा शरबत, जलजीरा आवे, छाछ सोडा आवे। क्या बात है, मसाला छाछ सोडा आवे। तो अगर आप वीरपुर में आते हैं तो दो चीज़ें आप कंफर्म समझ लीजिए, एक तो आपको खिचड़ी और आलू की सब्जी खानी है कढ़ी के साथ, जलाराम बाबा का प्रसाद होता है, बहुत ही भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है, और दूसरा यहाँ की जलजीरा सोडा, ये दो चीज़ें कंफर्म होती हैं। यहाँ पे आने वालों का ये खाना इतना कंफर्म होता है। उसके बाद आप जो अलग अलग मसाले, दूधी का तेल, जो भी लेना चाहे आपकी मर्जी। ये था वीरपुर का हमारा टूर। अब नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे हम जूनागढ़ की बातें। तब तक के लिए स्टे हॉट। वीरपुर का बहुत ही हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट मिनर देवी की वाव। वाव का मतलब होता है ये पानी के ऐतिहासिक स्रोत हैं। एक वक्त हुआ करता था जब पानी के लिए ना तो कोई डैम हुआ करते थे,
पानी के लिए ना ही तो कोई म्यूनसिपालिटी की लाइन हुआ करती थी, ना ही सबमर्सिबल पंप्स हुआ करते थे। पानी के स्रोत बहुत ही कम हुआ करते थे और उनमें से हुआ करती थी ये वाव। राजा महाराजों के वक्त में, ऐतिहासिक वक्त में, इस तरह की वाव जो है पाई जाती थी। वीरपुर आने वाले में से बहुत ही कम लोग जो हैं इस वाव के पास आते हैं, क्योंकि ये मार्केट के थोड़े पिछले हिस्से में है। देखिए आप इसकी नक्काशी देख सकते हैं, इसकी पुरानी शिल्प देख सकते हैं आप। जय जी जय। अभी तो इसकी हालत बहुत ही खराब है, इसमें कबूतर भी देखने को मिलेंगे। और ये है उसका झरूखा वाव का, यहाँ नीचे तक जो है उसकी सीढ़ियाँ जाती हैं और वहाँ से पानी भरा जाता था।